नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद की पहल से कानून की पढ़ाई कर रहे एक दिव्यांग छात्र के अध्ययन की राह और आसान हो गई है। कलेक्टर के प्रयास से उप दिव्यांग छात्र को किताब में लिखे शब्दों को स्कैन कर आवाज में परिवर्तित करने वाली एक हाईटेक डिवाइस की वो दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाली संस्था साइट सेवर्स द्वारा कलेक्टर श्री प्रसाद के हाथों प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा लगातार रेडक्रॉस के माध्यम से छात्र को अध्ययन के लिए सुविधाएं दिलाई जा रही थी। देखते ही बनती थी छात्र की खुशी एस्टरिस्क। सागर विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे कटनी जिला निवासी प्रदीप पिता प्रीतम रजक ने विगत दिवस कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद से मुलाकात कर अध्ययन के लिए सहायता मांगते हुए बताया था कि कानून की किताबों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि में बहुत समय लगता है, इसके लिए उन्हें कुछ हाईटेक सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, जिस पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने उसे जल्द सहायता का आश्वासन दिया था। कलेक्टर ने देखा डेमो एस्टरिस्क। इसी क्रम में मंगलवार को साइट सेवर्स के जिला कार्यक्रम समन्वयक मोहित पहलवान और रोजगार समन्वयक प्रदीप मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर अवि प्रसाद को हाईटेक डिवाइस की वोकल लाइव डेमो दिया। हितग्राही छात्र प्रदीप रजक इस लाइव डेमो में शामिल हुआ, जिसके बाद कलेक्टर श्री प्रसाद ने ये डिवाइस छात्र प्रदीप को दी, जिसे पाकर छात्र काफी खुश हुआ और उसने कलेक्टर का धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्टर ने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना दी। हल होंगी छात्र की कई समस्याएं एस्टरिस्क। उल्लेखनीय है कि छात्र प्रदीप को अध्ययन के लिए ब्रेल लिपि और दूसरे छात्रों के नोट्स पर अब तक निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब की वो डिवाइस का उपयोग करने से प्रदीप का अध्ययन करने का समय भी बचेगा और कानून की किताबों को वो आसानी से इस डिवाइस के माध्यम से समझ सकेगा। ये भी उल्लेखनीय है कि इस डिवाइस में किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन की सुविधा भी है। श्री प्रदीप रजक जो कि दिव्यांग हैं, इनको हम लोग रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पहले से मदद कर रहे थे राइटर सुविधा देने के लिए। ये BA LLB सेकेंड ईयर के छात्र हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं सागर यूनिवर्सिटी से। इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि अभी वर्तमान में जो ये पढ़ाई कर रहे हैं वो कानून की किताबें ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं, और अगर यदि इनको एक मशीन होती है जिस जो इनको अगर उपलब्ध करा दी जाए तो ये किसी भी किताब को सीधे सुन सकते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से, और अगर किताब हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में है तो उसका हिंदी में अनुवाद भी इस मशीन के माध्यम से होता है। हम लोगों ने दिव्यांगों के लिए काम करने वाली संस्था साइट सेवर्स से संपर्क साधा, और आज साइट सेवर्स के माध्यम से और जिला प्रशासन की पहल से श्री रजक को ये मशीन उपलब्ध करा दी गई है। मेरा नाम प्रदीप कुमार रजक है, मैं BLLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मुझे आज जो है कलेक्टर साहब के सहयोग से मैंने उनके सामने एक बात रखी थी कि मुझे एक पढ़ाई में हेल्प के लिए किताब पढ़ने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता है, तो उन्होंने साइट सेवर को कहा था, साइट सेवर की तरफ से मुझे ये डिवाइस आज प्रदान की गई है। इस डिवाइस का नाम कीवो है। ये अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और सभी किताबों को रीड करने में मददगार है, तो मेरी किताब पढ़ के ये मुझे सुना सकती है, तो इससे मुझे क्या है किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कलेक्टर साहब को और साइट सेवर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि मेरी पढ़ाई में ये सुचारू रूप से मेरा सहयोग करने में बहुत मददगार रहेगी।